हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। अभी हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जिसका ये तीसरा एक्सरसाइज है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो सबसे स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान, सियाल, सीमा और नीफे पूरा पढ़ लेंगे हम, क्योंकि देखो सियाल क्या होता है, SIAL, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नीफे क्या होता है? निकेल और फेरॉन। ठीक ना, तो ये नाम पढ़ा हुआ है। सबसे ऊपर होता है सियाल, सेकंड होता है सीमा, फिर सबसे नीचे होता है नीफे। के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किए थे स्वेस के द्वारा, स्वेस। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र के ओर, धरातल से ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम में, तो मैंने पहले ही बताया क्या है, पहला सियाल है, फिर है सीमा, फिर है नीफे। तो पहले स्थान पे दो होना चाहिए, फिर एक, तीन, हमारा ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो सियाल में ग्रेनाइट नहीं होता, सियाल में सिलिकॉन होता है, ठीक ना। सीमा में क्या होता है? बेसाल्ट, तो यहाँ पे चट्टानों का जिक्र किया गया, तब सही है। सियाल में क्या होता है? ग्रेनाइट एवं नीचट्टान पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सीमा का निर्माण जो होता है बेसाल्ट और ग्रेवो चट्टान पाया जाता है, ये सही है। जब मेटल की बात हो ना, तब आप सिलिकॉन ये सब करोगे। करोड़ में क्या होता है? निकेल और फेरोनी, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें से सभी हम टिक लगाएंगे, उपरोक्त सभी। फिर भूपरपट्टी के किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता होती है? अभी हम पढ़े सीमा में, सीमा। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा, मीन्स नीफे, निकेल का एनी और फेरोन का एफ ए, नीफे। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर सर्वप्रथम सियाल, SIAL शब्द का प्रयोग किसने किया था? तभी हम पढ़े स्वेस, स्वेस, इन्होंने ही सियाल, सीमा, नीफे के रूप में इसको डिवाइड किया था। फिर पृथ्वी के तीन संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरे स्थान पे किया, देखो ऊपर से दूसरा हो या नीचे से दूसरा हो, दोनों पे क्या होगा? सीमा, सीमा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थ देखो निकेल और बेसाल्ट होता है, बट बेसाल्ट क्या होता है? सीमा में पाया जाता है। हमको पूछा जा रहा है केंद्र में, तो केंद्र में क्या होता है? निकेल, निकेल। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में बांटा, उसके विभाजन में नहीं था, तो सब सिस्टम नहीं था, क्योंकि सियाल, सीमा, निफे तो था ही। फिर स्थल मंडल का तात्पर्य क्या होता है? वो होता है पृथ्वी का बाह्य पपड़ी, पृथ्वी का बाह्य पपड़ी, जिसको हम लोग मिट्टी बोलते हैं। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी में से किस परत को बायोस्फीयर कहा जाता है? तो बायोस्फीयर कहा जाता है पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है बायोस्फीयर। फिर धरातल के भूगर्भ की ओर जाने से गहराई के साथ साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होती है? तो 1 डिग्री होता है 32 मीटर पर, 1 डिग्री 32, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, 1 डिग्री 32 मिनट पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर के रूप में किया गया है, यह विभाजन कैसा है? जैसे स्वेस ने किया था कि सियाल, सीमा, नीफे, वैसे ही ग्राट जो थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने भूपटल, मेटल और कोर के रूप में धरती को बताया बताया, तो क्या होगा इसका? ग्राट। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन क्या है असत्य है? तो देखो भूपटल की औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, सही है। क्रस्ट की मोटाई कितनी है? 33 किलोमीटर। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक होती है, जबकि महासागर का भाग छिछला होता है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्थल मंडल क्या होगा? मोटा होगा, और जलमंडल के यहाँ क्या होगा? स्थल मंडल कम होगा। फिर महाद्वीपीय भूमंडल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है, ये भी सही है, क्योंकि ग्रेनाइट चट्टान हम पढ़े हैं, सोचो ऊपर वाला परत क्या होता है? ग्रेनाइट से बना होता है। तो क्या है, भूपरपट्टी की बात की जा रही है, तो ये भी सही है। तुम्हारा ये पार्ट गलत है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, ये गलत है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो वह बेसाल्ट, बेसाल्ट। मेटल या मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है असत्य है? तो अभी हम पढ़े थे इसकी, मतलब सबसे ऊपर वाले की गहराई 33 किलोमीटर और इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी का आयतन 83.5 तथा द्रव्यमान 67.8 भाग क्या है? मेटल है।
और इसका आयतन 3.0 मीन्स 3 से लेके 5.5 तक है इसका घनत्व। तो ये इसका क्या है, गलत है। अच्छा आप मुझे बताओ कि पृथ्वी का जो घनत्व है, अर्थ का घनत्व वो कितना है, इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताना। क्योंकि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानेट है तो सबसे अधिक घनत्व पूछा जाता है किसका है, तो वो किसका है, पृथ्वी का ही है। तो घनत्व कितना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर स्थल मंडल मीन्स लिथोस्फेयर में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, ऊपर पट्टी, निचली ऊपर पट्टी, मेटल और ठोस ऊपरी भाग, सी सही है। फिर स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है, तो वो है 100 किलोमीटर, यही पढ़े थे 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो मेटल को, मेटल सॉरी मैं मेंटल को मेटल बोल दे रहा हूँ बार बार, मेंटल, ठीक ना। नेक्स्ट है मेंटल में निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता होती है, देखो मेटल मीन्स हो गया, मेंटल मीन्स हो गया सीमा, मध्य परत, तो मध्य परत सीमा में क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सी होगा सही। फिर पृथ्वी का कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, तो 68%। जितना भी परत है सबसे मोटा परत क्या होता है, मेंटल ही होता है, सीमा ही होता है, तो क्या होगा 68%। फिर मोह असंबद्धता स्थित है, मोह असंबद्धता होता है, जैसे मान लो ये अर्थ का मैंने एक पार्ट लिया, तो ऊपर हो गया सियाल, बीच में हो गया सीमा, तीसरा हो गया नीफे, तो यहाँ जो ये मिला हुआ पार्ट होगा मीन्स ऊपर वाला पार्ट और मिडिल पार्ट जो मिला हुआ होगा उसे हम कहते हैं मोह, ठीक ना, मोह संबद्धता। तो क्रस्ट और मेटल का बीच का पार्ट, क्रस्ट और मेटल के बीच का पार्ट, इसको कहा जाता है क्रस्ट, मेटल और कोर, मतलब डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो पहले मैंने क्या पढ़ा, सियाल, सीमा, नीफे, फिर मैंने क्या पढ़ा, क्रस्ट, मेटल और कोर, सबसे नीचे वाले को कोर कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का कोर किस तत्व का बना हुआ होता है, तो ये किसका होता है, फेरॉन मीन्स नीफे होता है, तो निकेल और फेरॉन, लोहा, लोहा और निकेल। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से डी असत्य और सारा सत्य, सबको मैं पढ़ दे रहा हूँ। पृथ्वी मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है और सबसे ऊपरी परत क्या है, ग्रेनाइट का ही है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। कोर को बेरी स्फेयर कहा जाता है, ये याद रख लोगे, कोर को क्या कहा जाता है, बेरी स्फेयर। आपसे प्रश्न ऐसे आएगा कि बेरी स्फेयर किसे कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा सियाल, सीमा, नीफे, तो आपको नीफे में टिक लगाना है, या नहीं तो दे देगा कोर, मेंटल और क्रस्ट, तो आपको कोर में टिक लगाना है। नेक्स्ट है भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का क्या कारण है, तो दिया गया है दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन, उपयुक्त दोनों, देखो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखो अभी तक उतना जानकारी पता नहीं चल पाया है, लेकिन कोर में क्या है, कोर है आग का पूरा, आग गर्म, इसके कारण अंदर जाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, ये मुख्य कारण है। और है गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूमंडल के विभिन्न परतों को सही क्रम में लगाइए, तो वो होता है परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। नेक्स्ट है भूपरपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा को अवरोही क्रम में लगाना है, अवरोही मीन सबसे पहले जो सबसे अधिक होता है, तो ऑक्सीजन। आपसे ये प्रश्न आएगा कि सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है ऊपर पट्टी में, तो वो होता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, तो ये आपको याद रखना है, ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर पृथ्वी के ऊपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अभी हम पढ़े हैं सबसे अधिक क्या, अच्छा ये क्या है, भरपूर मात्रा में ऊपर पट्टी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सब नहीं दिया रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटासियम, पोटासियम याद रखना है आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगाना है। नेक्स्ट है धरातल से मोह असमानता की गहराई लगभग कितनी है, तो वो कितनी है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। समझ गए होंगे कि मोह असमानता क्या होती है, अभी मैंने जिक्र किया था, वो क्या होता है, जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है मीन्स क्रस्ट और मेटल का जो मिक्सर होता है उसको कहा जाता है मोह, तो इसकी गहराई कितनी होती है, 30 किलोमीटर। फिर है पृथ्वी ग्रह की संरचना का प्रभार मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है, तो वो किससे बना हुआ है, लोहा से, लोहा और निकल होना था तो लोहा से बना हुआ है। तो ये था मेरे वीडियो का एंड, काफ़ी छोटा सा था, 32 क्वेश्चन था इसमें, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।